खबर शिवपुरी कलेक्ट्रेट से है, जहां पर एक महिला ने पूर्व बैराट तहसीलदार प्रतिज्ञा डेमोला ने महिला से शासकीय नौकरी अनाज मंडी में शासकीय कर्मचारी नियुक्त करने के एवज में 3 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार नारायणी रजक निवासी बैराट, जो पूर्व बैराट तहसीलदार प्रतिज्ञा डेमोला के यहां झाड़ू बर्तन और खाना बनाने का काम करती थी, उसी समय तहसीलदार के द्वारा महिला के बच्चों को शासकीय नौकरी में लगवाने को कहा गया, जिसके बदले में 3 लाख रुपए लगेंगे, ऐसा महिला को कहा गया। महिला के द्वारा अपने बच्चों की खातिर ब्याज से पैसे उठाकर प्रतिज्ञा डेमोला को दिए। वहीं बताया कि बच्चों को अनाज मंडी में रखा गया था, 2 माह बाद हमारे बच्चों को बिना वेतन के निकाल दिया गया। जैसे ही महिला को जानकारी मिली कि प्रतिज्ञा डेमोला का ट्रांसफर भी में SLRRV सशक और भू अभिलेख ग्वालियर जिला कलेक्टर ऑफिस जीवाजी विश्वविद्यालय के पास सिटी सेंटर ग्वालियर में हो गया है। जब इस चीज का विरोध महिला ने किया तो महिला को तहसीलदार के द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बच्चों को दूसरी जगह लगवा देंगे। लेकिन महिला को काफी समय होने के बाद तहसीलदार ने फोन पर बात करना बंद कर दिया। जब महिला प्रतिज्ञा से मिलने गई तो महिला से बात करने पर गाली गलौज की गई और कहा कि मुझ पर किसी प्रकार के पैसे नहीं है, ज्यादा करेगी तो तुझे मरवा दूंगी, मेरी पहुंच ऊपर तक है, ऐसे आरोप महिला ने लगाए हैं, जहां पर अब महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। नारानी नारानी रजक, कहां से आए हो? बेड़ार से। क्या शिकायत लेके आए हो? शिकायत लेके आए तहसीलदार ने धोखाधड़ी करेगा, बच्चे लगा दे लगावे के बहाने 3 लाख रुपए ले लिए, 1.5 लाख जाके 1.5 लाख बाकी इनकी परमानेंट नौकरी है, पर महीना मेरे पीछे ना ही कर दी, परमानेंट नहीं है, प्राइवेट है। अब उन्होंने चलो कोई बात नहीं है, परमानेंट नहीं है तो प्राइवेट ही करेंगे, अतीता ना तो खराए 2 महीना पे 3 महीना उठा दे बच्चे, और एक शाम से कर देंगे पीछे, फोन भी नहीं उठाती और कहती है तुम उससे जो कहती है कि तेरा मैं बुरवाल कर दूंगा, तेने पैसे ने किस शिकायत करी जब जो कहती है तहसीलदानी का प्रतिज्ञा ढेकला। कहाँ पे? अब वो एक निवास है ग्वालियर कोर्ट में, कलेक्ट्री में रहती है, 3 मंजिला पे मैं गई तो मुझे देख के बच गया। वो तहसीलदार ऑफिस, मतलब तहसील का ऑफिस कहाँ पे था? वो तो तबादले होते रहता, मैंने की तो बेड़ा रहती, बेड़ा से कोलास पहुंच गई मैं, 2-4 बार कोलास गई, फिर वहीं हम मैं ग्वालियर गई, ग्वालियर पता लग गया, तो ग्वालियर गई तो ग्वालियर बाद सूचना मिल गई थी मोड़ा बच्चा है, फोन पकड़ा था मुझसे कहते वहां से कहते कि वो तो बच गई। एक साल है सर, मैं एक साल से बहुत कर रही हूँ, किसके दे दे अच्छे वाले में बिगड़े नहीं, बिगड़े किस माध्यम से दिए थे? अरे हम नौकरी के तैसे मोड़ा मोड़ी ना लगाऊंगी तेन ने, किस माध्यम से दिए थे? कैश दिए थे या नगदी? कैश दे 500 कर लू भाई, क्यों दे बाने पलंग पे फटक वाले हमारे गोदी में लगे भर के। अच्छा हाँ, दिए किस जगह पे थे? देंदाई बेड़ार पे, बेड़ा दे ऑफिस में। हाँ ऑफिस में, वो कमरा में रहती प्राइवेट में, इसकी मैं ऊपर जाकर दही बोल से बोली मैं कैप कुरिया ऊपर पलंग पे थी, मैं ऊपर कुरिया आई पलंग पे, फिर हमने कहा करना मेरे बच्चे लग रहे हैं हमें पोजिशन से क्या लेना देना, उसमें लगाने की बात की जी उन्होंने पैसे लिए मेरे से ही की जी मैंने कि मैं किस विभाग में लगाने की? अरे वो है क्या कहते हैं मंडी, नान मंडी, बड़ी मंडी में लगे रहेंगे बच्चे तेरे, और पोस्ट अच्छी भी बढ़ जाएगी, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। ये कही थे भाई, अब हम लालच में आ गए, हम पढ़े लिखे थे नहीं आते, हम तो खूब पढ़े आते थे, हमसे पैसा ले लिए इसने, अब कहते हैं पैसा की कहती है तो बात भी नहीं करती, मना कर देती है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, पैसा की कहेगी तो मैं तेरा बड़ा हल कर दूंगी। हम चाहते हैं कहते हैं मुगमोड़न की नौकरी लगा नहीं, हमें पैसा ना लौटाए, बस हम तो जे चाहते।